उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से 80 से अधिक मौतों के बाद सुल्तानपुर में भी पुलिस एक्शन में आ गई है। सोमवार को जिले भर में सघन अभियान चलाकर पुलिस ने 682 लीटर अवैध देसी शराब बरामद करते हुए 45 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया है कि सोमवार को एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में अवैध शराब के निर्माण और बेचने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलवाया गया था। इस संदर्भ में विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में भारी मात्रा में लहन व शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया है। आज हुई कार्यवाही में 682 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुई है। साथ ही अवैध शराब के 45 कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जिले के चांदा पुलिस टीम ने अवैध शराब के कारोबारी राधे श्याम पुत्र रामदीन और जियावनी पत्नी रामदीन निवासी ग्राम गोपीनाथपुर थाना चांदा को 5-5 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं लंबुआ कोतवाली पुलिस ने पंचम निषाद पुत्र बरसाती निषाद निवासी शाहपुर हरिवंश कोतवाली और हरिश्चंद्र निषाद पुत्र जयपाल निषाद निवासी बहाउद्दीनपुर थाना गोसाईगंज को 30-30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। नाउ 44 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।